स्टूडेंट? यस टीचर। अच्छा तो लेटर बॉक्स के बारे में? यस टीचर। एनवेलप? यस टीचर। अच्छा तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है? पोस्ट ऑफिस का क्या काम होता है कोई बच्चा बता सकता है मुझे? अच्छा तो कोई और बच्चा बता सकता है पोस्ट ऑफिस का? अच्छा तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? पोस्ट ऑफिस, एनवेलप्स और लेटर बॉक्स। फर्स्ट हम क्या करेंगे? पोस्ट ऑफिस। अच्छा तो आप सब यहाँ पर चाहे आप हमारे यहाँ पर है वहाँ पर आप गए हो सभी पोस्ट ऑफिस? ये ऐसा कुछ दिखता है बाहर से पोस्ट ऑफिस देखो? ठीक है, पोस्ट ऑफिस का मतलब क्या है? अगर देख लो, अगर आपने कोई पोस्ट जैसे आपका कोई पार्सल है या कोई आपकी बुक्स है, अगर आपने कोई ऑनलाइन बुक्स ऑर्डर की है या आपने कोई ऑनलाइन कोई चीज ऑर्डर की है तो वो क्या पोस्ट ऑफिस के थ्रू अगर क्या आप क्या वो आपके पास आ भी सकता है और आप किसी को क्या भेज भी सकते हो। जैसे क्या इसका क्या मीनिंग है पोस्ट ऑफिस का? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब भेज भी सकते हो और ले भी सकते हो। पोस्ट ऑफिस का क्या है, अगर मान लो अगर आपने जैसे रक्षाबंधन आती है तो रक्षाबंधन पर आपकी जो मम्मा है वो अपने आपके ब्रदर्स को भेजती है राखी, वो क्या पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाती है। उसको क्या पैक करके पार्सल में उसको क्या हम क्या उसका एड्रेस फुल एड्रेस पिन कोड वगैरह लिखकर वो क्या पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या एक शहर से दूसरे शहर को जाती है। ये क्या काम क्या है पोस्ट ऑफिस का। नेक्स्ट क्या बोला था मैंने? लेटर बॉक्स। लेटर बॉक्स क्या, पहले जब पहले आपको जैसे फोन चल रहे हैं पहले क्या था फोन नहीं होते थे तो क्या होता था चिट्ठी होती लेटर होते थे। लेटर क्या जैसे लेटर किसी ने लिखा उसके ऊपर क्या है हर मतलब सिटी या शहर का क्या वो लगती थी पिन कोड लगता था टेप लगती थी जिसके अकॉर्डिंग उस शहर का पता लगता था ये इस शहर से आया है। तो किसी ने अगर कोई बात करनी थी वो किसके थ्रू करता था लेटर के थ्रू करता था। तो लेटर बॉक्स किस तरह का दिखता है ये देखो किस तरह का दिखता है लेटर बॉक्स। अच्छा तो एनवेलप पता है सबको? एनवेलप देखो कई तरह के होते हैं, जैसे देखो शादी के कार्ड होते हैं वो भी एनवेलप ही एक टाइप का। अगर आप किसी को कोई गिफ्ट दे रहे हो किसी को जैसे आप शादी पर जाते हो किसी के फंक्शन पर जाते हो तो आप उसे पैसे देते हो ना सर एनवेलप पैसे आप उसे ऐसे तो नहीं दे देते हो उसे क्या एक कागज का जो लिफाफा होता है उसे क्या बोलते हैं एनवेलप में ही देते हो कार्ड में ही देते हो ऐसे होते हैं एनवेलप। जैसे आपका पार्सल आता है वो भी क्या एनवेलप में ही आता है। जब आप बुक्स ऑर्डर करते हो या कुछ भी ऑर्डर करते हो तो वो क्या है क्या पार्सल क्या एनवेलप की टाइप नहीं आता है। अच्छा तो आपको पता लगा पोस्ट ऑफिस एनवेलप और लेटर्स के बारे में? यस टीचर। कोई मुझे बता सकता है पोस्ट ऑफिस का क्या काम है? हाँ बेटा बोलो कोई बता सकता है क्या पोस्ट ऑफिस का क्या काम है? पोस्ट ऑफिस का मेन यूज क्या है इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट, मतलब क्या हम क्या एक शहर से दूसरे शहर क्या हम क्या कोई चीज मंगवा भी सकते हैं और क्या भेज भी सकते हैं। जैसे अचानक हमने कोई बुक ऑर्डर की, अगर मान लो मैंने इतनी कोई बुक्स ऑर्डर की, अगर मैं बाई चांस वो बुक्स क्या है वैसे तो घर पर डिलीवर करने आते हैं, अगर वो बाई चांस मैंने वो कॉल पिक नहीं की और मैंने बुक्स नहीं मुझे मिली मेरे घर पर डिलीवर नहीं हो पाई तो मैं क्या करूँगी वहाँ इमिजिएटली जाकर क्या करूँगी पोस्ट ऑफिस से क्या वहाँ पे कॉन्टैक्ट करके वहाँ पे क्या वहाँ से बुक्स क्या अपनी कलेक्ट कर लूँगी क्योंकि मेन क्या बुक्स क्या पोस्ट ऑफिस में होती ही होती हैं। ठीक है, अगर आपका कोई भी पार्सल है तो कहाँ मिलेगा आपको पोस्ट ऑफिस। लेटर बॉक्स के बारे में कोई बता सकता है? लेटर बॉक्स में कोई बता सकता है लेटर बॉक्स का मतलब क्या है? हम अगर किसी को बात करनी है तो क्या वो क्या लेटर के थ्रू बात करता था। अच्छा तो एनवेलप का एनवेलप का कोई बच्चा बता सकता है? डिफरेंट डिफरेंट तरह के एनवेलप्स होते हैं, जैसे कि जैसे कोई भी जैसे हमने बुक्स ऑर्डर की है या हमने कोई भी जैसे हमने कोई क्लॉथ ऑर्डर की है कुछ भी ऑर्डर किया किसी भी टाइप का सामान ऑर्डर किया है तो क्या एक एनवेलप के क्या शेप में आता है। जैसे मान लो ये देखो ये भी इस टाइप का क्या है एनवेलप है।
मेंशन किया होता है, देखो सारा एड्रेस, एड्रेस हो गया, नेम, फादर नेम, सब कुछ क्या एड्रेस किया होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, क्या सब कुछ क्या मेंशन किया होता है। ये भी क्या एक टाइप का क्या है, एनवलप है।